प्रीवियस क्लासेस में हमने सारे जो BJT के थ्योरीज थे वो सारे के सारे हमने कवर कर रखे हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स, जो बहुत ही आसान है क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है बस BJT का, BJT की इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं दी गई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन अ कॉमन बेस कनेक्शन IE इज एमिटर करंट, IE इज गिवन एज 1 mA एंड IC दैट इज कलेक्टर करंट इज गिवन 0.95 mA। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस करंट IB। तो इसका रिलेशन आपको पता है, एमिटर करंट इक्वल्स टू सिंपल समेशन ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो आपको दोनों करंट्स जो गिवन है उन दोनों करंट्स को सिंपली एडअप करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इन अ कॉमन बेस कनेक्शन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.9। इफ द एमिटर करंट इज 1 mA, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ बेस करंट। सो यहाँ पे ऐसे आपको नाम दिया होगा, ठीक है, कॉमन बेस कनेक्शन में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपका 0.9 है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा, आपको याद करना होगा कि कॉमन बेस कनेक्शन में हमारा जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता था वो क्या होता था, अल्फा होता था, बीटा होता था या गामा होता था। सो यू हैव टू रिकॉल इट, और उसके बेसिस पे अगर आपको याद होगा तो कॉमन बेस कनेक्शन में हमने अल्फा पढ़ा था, याद है सबको? सबको याद है कॉमन बेस कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, बताइए, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर, हाँ, तो कॉमन बेस कनेक्शन में हमने अल्फा पढ़ा था, यस सर, ठीक है, कॉमन करंट और कॉमन एमिटर में हमने बीटा पढ़ा था और कॉमन कलेक्टर में गामा पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर आपको अल्फा गिवन है तो उस बेसिस पे अल्फा गिवेन है और आपको एमिटर करंट गिवेन है, दैट इज आई इक्वल्स टू 1 mA। सो अल्फा की इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, अल्फा आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ई, ठीक है, आई सी इक्वल्स टू होता था अल्फा आई ई। इस इक्वेशन से आप रिकॉल करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई। तो अगर आपको आई ई गिवेन है, अल्फा गिवन है, तो यू कैन इजली फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सी। सो कॉमन बेस कनेक्शन में अल्फा हमें पता है और आई पता है, तो आई बी आपने, सॉरी आई सी आपने फाइंड आउट कर लिया। इसमें एक चीज़ हमने मेंशन नहीं किया है, दैट इज जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है, ठीक है, कॉमन बेस में क्या होगा, आई सी ई ओ, आई सी बी ओ, जिसमें एमिटर ओपन होता है, तो एमिटर ओपन होता है, तो रिवर्स सेचुरेशन करंट को हम यहाँ पे नेग्लिजिबल मान रहे हैं। जो हम नेग्लिजिबल मानते हैं तभी हम ये इक्वेशन लिखने के लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू आई सी बाई आई ई। तो यहाँ पे आपने क्या माना हुआ है कि जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है दैट इज़ आई सी बी ओ, वो आपका बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई अल्फा इक्वल्स टू आई सी बाई आई ई, और आई सी को आप अल्फा आई ई लिखोगे। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे बाई पुटिंग दीज वैल्यूज़, तो आपको मिलेंगी 0.9 mA। उसके बाद आपको बेस करंट फाइंड आउट करना है, तो बेस करंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल जो हमें एमिटर करंट का इक्वेशन पता है आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, उसमें आपको आई सी की वैल्यू रखनी है और आई ई की वैल्यू रखनी है, आपको आई बी मिल जाएगा। तो आप इसको रीअरेंज करोगे तो आई बी इक्वल्स टू हो जाएगा आई ई माइनस आई सी, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई बी। क्लियर है सबको ये दोनों क्वेश्चन? यस सर, नाउ प्रॉब्लम थर्ड इज, इन अ कॉमन बेस कनेक्शन आई सी एंड आई बी इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो आई सी और आई बी आपको दिया हुआ है, बट हमें ये पता है कि जो अल्फा का रिलेशन होता है दैट इज आई सी बाई आई ई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, या तो आई ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम सिंपली आई को यहीं पे रिप्लेस कर देंगे आई बी प्लस आई सी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी प्लस आई सी।
और आईबी प्लस आईसी को आप कैलकुलेट करोगे, आईबी आईसी आपको गिवन है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.95। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कॉमन बेस कनेक्शन द एमिटर करंट इज 1 mA, इफ द एमिटर सर्किट इज ओपन द कलेक्टर करंट इज 50 μA, फाइंड द टोटल कलेक्टर करंट गिवन दैट अल्फा इक्वल्स टू 0.92। अब अल्फा आपको दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन बेस कनेक्शन है, दैट मीन्स कि कॉमन बेस कनेक्शन है तो उसी का अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, किसी और कनेक्शन का आपको करंट गेन नहीं दिया हुआ है। तो अल्फा आपको दिया हुआ है, कॉमन बेस कनेक्शन है और एमिटर करंट दिया हुआ है, ठीक है, एमिटर करंट आपका 1 mA है। इफ द एमिटर सर्किट इज ओपन द कलेक्टर करंट इज 50 μA। अब आपको याद रखना होगा कि जब हम एमिटर सर्किट ओपन करते हैं तो कौन सा करंट फ्लो होता है, याद करो, जब आप एमिटर सर्किट ओपन करते हो तो कौन सा करंट फ्लो होता है, बताइए। ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है या कॉमन एमिटर है या कॉमन कलेक्टर है? जवाब दो, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कॉमन कलेक्टर, एमिटर है। कॉमन एमिटर है, ठीक है, क्योंकि एमिटर आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन बेस है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। कॉमन बेस में, कॉमन बेस में ये क्या कर रहा है, इफ द एमिटर सर्किट इज ओपन, कॉमन बेस कनेक्शन में एमिटर सर्किट इज ओपन, तो ये वाला टर्मिनल आपका ओपन है, मतलब इनपुट सिग्नल आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो थ्रू दिस सर्किट हो रहा है। अब इसमें कलेक्टर करंट की वैल्यू गिवन है, तो ऑब्वियसली जब कलेक्टर करंट की वैल्यू गिवन है तो बेस करंट भी सेम होगा, क्योंकि एक ही करंट का पाथ है, ठीक है, इसके पास दूसरा पाथ तो है नहीं, तो यही पाथ फॉलो करेगा, सो आई बी इक्वल्स टू आई सी हो जाएगा यहाँ पे। बट इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने एमिटर ओपन किया है तो यहाँ पर तो आप रिवर्स बायस दे रहे हो, जब रिवर्स बायस देते हो तो हमने एक रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसको हम आई सी बी ओ के नाम से जानते हैं। आई सी बी ओ क्या होता है आपका, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमिटर इज ओपन, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है आपको। आपको डायरेक्टली आई सी बी ओ लिख के ना देके आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है, इफ द एमिटर सर्किट इज ओपन द कलेक्टर करंट इज 50 μA, सो आई सी बी ओ इज 50 μA, इट इज गिवन। अल्फा दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई सी बी ओ दिया हुआ है, तो हमें आई सी फाइंड आउट करना है, कलेक्टर करंट। अब हमें आई सी की वैल्यू पता है कि क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम, आई सी इक्वल्स टू होता है अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, तो इसमें सारी वैल्यूज वो पुट करोगे, जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा वो मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको, सॉल्यूशन सबको समझ में आया? हाँ या ना वे जवाब दो, समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन अ कॉमन बेस कनेक्शन अल्फा इज गिवन 0.95, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 kΩ रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर इज 2 V, फाइंड द बेस करंट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस करंट फाइंड आउट करना है, अल्फा दिया हुआ है आपको और वोल्टेज अक्रॉस 2 kΩ दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास 2 kΩ दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू रेजिस्टेंस कितना, सॉरी इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है। सो करंट इक्वल्स टू हो जाएगा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, सो 2 V डिवाइड बाई 2 kΩ इक्वल्स टू 1 mA। हमारे पास आई सी आ गया, ठीक है, हमें बेस करंट फाइंड आउट करना है। बेस करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल इक्वेशन पता है, आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, तो अगर आपको आई सी पता चल गया और आई बी आपको निकालना है तो हमें आई ई निकालना होगा। सबसे पहले आई ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा गिवेन है,
आईसीएम को पता है, तो अल्फा इक्वल्स टू आईसी बाई आई से हम आई निकालेंगे। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आई इक्वल्स टू हो जाएगा आईसी डिवाइड बाई अल्फा। इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे तो आई वैल्यू आ जाएगी, और जो सिंपल समेशन आपका होता है करंट का, एमिटर करंट का विद रिस्पेक्ट टू बेस एंड कलेक्टर, उसमें आप एमिटर और करंट कलेक्टर करंट की वैल्यू पुट करोगे, बेस करंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो इनडायरेक्टली आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। अल्फा दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर्स हैं वो आपको नोन होने चाहिए। अगर आपको नोन है तो यू कैन इजिली फाइंड दी करस्पॉन्डिंग करंट वैल्यू। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर द कॉमन बेस सर्किट एज शोन इन फिगर डिटरमिन आई सी एंड वी सी बी, अज्यूम द ट्रांजिस्टर टू बी ऑफ सिलिकन। अब यहाँ पे आपको जो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है वो सिलिकन का दिया हुआ है, मतलब सिलिकन देने का मतलब ही है कि ये कट इन वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में जो हम कट इन वोल्टेज पढ़ते थे, ठीक है, वो वैल्यू दे रहा है, दैट इज 0.7 वोल्ट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई सी एंड वी सी बी। अब कॉमन बेस है तो जो मैं पहले क्लासेस में आपको डिस्कस कर रहा था कि जब भी आपको ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है सर्किट से, मान लो ये सर्किट आपको गिवेन है और आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कॉन्फिग्रेशन है, ये कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर है या कॉमन कलेक्टर है, तो आप क्या करोगे कि टर्मिनल्स देखोगे कि कौन कौन से टर्मिनल्स आपके ग्राउंडेड हैं, उन सारे टर्मिनल्स को एक साथ आप कनेक्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे ग्राउंडेड टर्मिनल्स हैं, इन सारों को एक साथ आप कनेक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा यहाँ से मिलेगा और ये सारा जो आपका कनेक्शन है यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको इजिली पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन बेस यहाँ से मिलेगा आपको, अगर आपको नहीं भी दिया होता इस सर्किट में और केवल ये सर्किट दे दिया होता, ठीक है, और ये रिटर्न नहीं होता कि फॉर द कॉमन बेस सर्किट, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते थे कि ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन है, कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर है या कॉमन कलेक्टर है। नाउ सिंस द ट्रांजिस्टर इज ऑफ सिलिकन, वी बी ई इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट, तो वी बी ई आपका 0.7 वोल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम ये अभी फॉरवर्ड बायस में लेके चल रहे हैं, जब फॉरवर्ड बायस में हम लेके चलते हैं तो डायोड का कट इन वोल्टेज जो होता है वो 0.7 वोल्ट हम लेते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। सो इसके बाद जब कट इन वोल्टेज हमें क्लियर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले लूप में हम अपना एक केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल लगाने का तरीका क्या है, आपको ये एनपीएन ट्रांजिस्टर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन होगी एमीटर से निकलेगा, तो हमने आई की जो डायरेक्शन है वो विद द हेल्प ऑफ दिस एरो डिसाइड कर लिया। जब हमें आई पता चल गया तो ऑब्वियसली आई बी की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी, क्योंकि आई अगर आउटगोइंग करंट है तो आई बी और आई सी आपके इनकमिंग करंट होंगे, तभी आपका जो आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी के सी एल से आप अप्लाई करते हो वो आएगा। तो आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी तभी होगा जब आपका ये आउटगोइंग है तो ये दोनों इनकमिंग हो, तो ये इनकमिंग करेंट्स होंगे, तो इनकी और इनकी डायरेक्शन आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया। जब आपको सारे पैरामीटर्स की वैल्यू और डायरेक्शन डिसाइडेड है तो आप क्या करोगे, इस वाले लूप में केवीएल अप्लाई करोगे। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने का तरीका क्या है, कहीं से भी आप पहले आप करंट की डायरेक्शन अज्यूम करोगे, करंट की डायरेक्शन आपने अज्यूम कर लिया, उसके बाद करंट की वैल्यू आप मानोगे, उस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली आर ई में भी आपका आई ई ही फ्लो होगा, यहाँ पे आपका आई बी फ्लो होगा, इसकी पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जो डायोड आ रहा है इस पोजीशन पे, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, उसके वोल्टेज क्या है, 0.7 वोल्ट। सो बेस ये है, एमिटर ये है, तो बेस टू एमिटर जो वोल्टेज है वी बी ई, दैट इज़ गिवन 0.7 वोल्ट। अब जो वी बी ई की पोलैरिटी होगी वो किस साइड में होगी, किस साइड पॉजिटिव होगी, एमिटर की साइड होगी या बेस की साइड होगी, आप सोच के बताओ। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा?
ईमीटर के साइड होगी सर। एमिटर की साइड पॉजिटिव होगी। नो सर, एक बार रिपीट कीजिए सर। सपोज आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ पे एक डायोड बन रहा है, ठीक है। अब डायोड जो बन रहा है, तो डायोड में जो आपका कट इन वोल्टेज आ रहा है, कट इन वोल्टेज का बैटरी का डायरेक्शन किधर होगा, किधर पॉजिटिव होगा, किधर नेगेटिव होगा? एमिटर के साइड पॉजिटिव होगा या बेस के साइड पॉजिटिव होगा? सर बेस के साइड हो। बेस के साइड होगा या एमिटर के साइड होगा? अगर बेस के साइड होगा तो क्यों होगा, एमिटर के साइड होगा तो क्यों होगा, रीजन क्या होगा उसका? जैसे आपने डायोड में पढ़ा था, जस्ट रिकॉल इट, डायोड में जैसे हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करना है। क्वेश्चन, किसी को डाउट है क्वेश्चन में? आंसर इज वेरी सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर होगा तो आंसर भी आप दे पाओगे। नितिन, अभिषेक, किसी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, एटलीस्ट टाइम तो वेस्ट नहीं होगा हमारा। पार्थिव, प्रियल, राधा, राजदीप, रनिक, राशि, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा? सर एक बार फिर से समझाएंगे। देखो, आपको इस लूप में केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है। केवीएल अप्लाई करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सर्किट में, उसके अक्रॉस वोल्टेज पता होनी चाहिए, ठीक है। वोल्टेज पता होने के लिए करंट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने करंट फाइंड आउट कर लिया आईई, तो ऑब्वियसली जो आरई के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर से फ्लो हो रहा है, तो जो बैटरी की डायरेक्शन होगी वो इस साइड पॉजिटिव होगी और इस साइड नेगेटिव होगी, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है रेजिस्टेंस के बारे में। अब इस सर्किट में यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का भी आपको वोल्टेज गिवन है, दैट इज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे कोई भी आपका कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, ये सारा शॉर्टेड है, ठीक है। जो जीरो पोटेंशियल यहाँ पे है वही जीरो पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, वही जीरो पोटेंशियल आपका यहाँ पे भी होगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस जगह पे, यहाँ पे एक डायोड अवेलेबल है, ठीक है। पीएन जंक्शन यहाँ पे बन रहा होगा क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएन जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ जो डायोड आ रहा है, डायोड की वजह से जो आपका कटिंग वोल्टेज है, उस कटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी? बेस साइड पे पॉजिटिव होगी या एमिटर साइड पे पॉजिटिव होगी? सर बेस साइड होगी ना। बेस साइड होगी। किसी को लग रहा है एमिटर साइड होगी? ओके, इसको आप ऐसे समझ लो जैसे हम डायोड में करते थे। डायोड में क्या करते थे हम? डायोड में हमारा पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कब होता है पीएन जंक्शन? जब पी साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो, एन साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पी। तो पी टू एन अगर आप जाओगे, अगर ये फॉरवर्ड बायस हम कह रहे हैं, दैट मीन्स कि इसका जो पोटेंशियल है दैट मस्ट बी हायर देन पोटेंशियल एट दिस नोड। जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा उससे इसकी वैल्यू हायर होनी चाहिए। सारे लोग एग्री कर रहे हो? मैंने क्या बोला?
इस पॉइंट का पोटेंशियल यस इस सर पॉइंट के पोटेंशियल से हायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पी साइड है, यहाँ पे एन साइड है। पी साइड का पोटेंशियल अगर हायर होगा एन साइड से, तभी आपका ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे आपका बैटरी बनेगा उसका जो पोलैरिटी होगा वो इस साइड हायर होगा, इस साइड लोअर होगा। समझ में आया सबको? हाँ, यस सर तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट्स। अब आप केवीएल अप्लाई कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली केवीएल अप्लाई कर सकते हो। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए जो मेरा कन्वेंशन है, मैं उस कन्वेंशन से जाऊंगा। मेरा कन्वेंशन क्या है कि जो भी आपका बैटरी है, बैटरी की जो पोलैरिटी जिस साइड पड़ रही है उस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस आरई के अक्रॉस वोल्टेज अगर मुझे लेना है तो मैं इसको लिखूंगा प्लस टाइम्स आई आरई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ रहा है। तो मेरा जो होगा प्लस आई आर ई हो जाएगा, माइनस वी ई ई हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव प्लेट आ रहा है पहले, फिर इस डायरेक्शन में आप जाओगे, फिर यहाँ से घूमोगे घूमोगे फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस आपका 0.7 वोल्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो वैल्यू होगी आई आर ई प्लस 0.7 वोल्ट माइनस वी ई ई, ठीक है, और उसको आप जब इक्वेट करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, वी ई ई इक्वल्स टू आई ई आर ई प्लस वी बी ई। क्लियर है केवीएल कैसे मैंने अप्लाई किया? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है ये आपको दिख रहा है ना, जो बैटरी के टर्मिनल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, यस सर ठीक है ओके। नाउ अगर आपको केवीएल से ये एक्सप्रेशन आ गया, तो केवीएल से अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो आप इजीली आईई फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि वीबीई आपको पता है दैट इज 0.7 वोल्ट, आरई की वैल्यू पता है आपको, एंड वीईई जो बायसिंग वोल्टेज है वो भी आपको गिवन है। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, आपको आईई मिल जाएगा 4.87 मिली एम्पियर। अब इस आईई को आप आईसी भी मान सकते हो, क्योंकि जो बेस करंट होता है वो बहुत ही लो होता है। तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पे आईसी को आईई के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि जो बेस करंट होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। अदरवाइज अगर आप आईसी को इस तरह से नहीं निकालते हो तो आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू आप आईबी फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर का अल्फा बीटा गामा कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर गिवन नहीं है तो उस केस में आप इजीली कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते दूसरी वैल्यूज़ को, दूसरे करंट वैल्यूज़ को। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो आई ई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आई सी के, क्योंकि जो भी आपका बेस करंट होता है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ एमिटर करंट होता है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। यू कैन इमेजिन कि 4.87 मिली एम्पियर है, इसका आप 5% निकालोगे तो कितना और लोवेस्ट हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो माइक्रो एम्पियर्स में ही जा सकता है, जिसको हम नलीफाई कर सकते हैं, और आई सी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई ई आप मान सकते हो यहाँ पर। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है वी सी बी। वी सी बी इज वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। सो कलेक्टर टू बेस के बीच का जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है आपका, ठीक है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो अब इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे भी आपको केवीएल अप्लाई करना है। अब केवीएल अप्लाई करोगे तो इसको केवीएल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको बैटरी का पोटेंशियल मानना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में हमें वोल्टेज को लेना है। तो जब आप वी सी बी की बात करते हो, ठीक है, तो वी सी बी मतलब होता है इसका वी सी माइनस वी बी, ठीक है। कभी भी ऐसा अगर आपके पास कन्वेंशन लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है इक्वल वोल्टेज एट सी टर्मिनल माइनस वोल्टेज एट बी टर्मिनल। ये क्लियर है? क्लियर है सबको? वीसीबी का मतलब क्या होता है?
हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। सो इसका मतलब हम ये यस मान के सर। चल रहे हैं कि जो पोटेंशियल एट सी है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल एट बी। तो वी सी बी हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे जो बैटरी का टर्मिनल मानेंगे वो सी की तरफ पॉजिटिव मानेंगे और बी की तरफ नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि हमें वी सी बी फाइंड आउट करना है। ये आपका कलेक्टर है, ये आपका बेस है, तो ऐसा पोटेंशियल सर हम बनेगा। लोग, सर हम लोग, सर हाँ बताइए। सर हम लोग ये वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे हैं हाँ ना, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना है वोल्टेज ड्रॉप। हाँ ओके सर। ठीक है। सो वी सी बी आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे, तो वी सी की वैल्यू हम हाई मान रहे हैं और वी बी की वैल्यू लो मान रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो बैटरी का आपका पोलैरिटी होगा वो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। अब आपको करंट का डायरेक्शन पहले से ही नोन है, जब करंट का डायरेक्शन नोन है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसकी पोलैरिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हायर टू लोअर जाएगा, तो हायर टू लोअर जाएगा तो इसकी पोलैरिटी इस साइड पॉजिटिव हो जाएगी और इस साइड नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे देखा था वैसा ही यहाँ पे भी होगा। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें पहला वाला टर्मिनल जो पड़ेगा वो वाला आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब आप सिंपली इसको यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर सकते हो। केवीएल अप्लाई करो। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये माइनस वी सी सी प्लस आई सी इंटू आर सी, ठीक है, प्लस वी सी बी। तो माइनस वी सी सी आप एक दूसरे साइड लेते जाओ तो वी सी सी इक्वल्स टू हो जाएगा आई सी आर सी प्लस वी सी बी। ये केवीएल एक्सप्रेशन कैसे आया पता चल गया आपको, क्लियर है सबको केवीएल इक्वेशन? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। किसी को डाउट है केवीएल में? तो केवीएल बहुत ही आसान है, अगर आप समझ रहे हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दोनों इक्वेशन सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आएगा, मिड सेम में आएगा, नहीं मिड सेम में आएगा तो एंड सेम में तो आएगा ही आएगा। किसी को डाउट है? ओके, सो आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, सो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप देखो वीसीसी आपको गिवेन है यहाँ पे 18 वोल्ट्स, आईसी आपको फाइंड आउट करना है, आरसी आपको गिवेन है 1.2 किलो ओम्स और वीसीबी आपको निकालना है। ठीक है, सो वीसीबी रीअरेंज करोगे आप इन टर्म्स को, तो जब रीअरेंज करोगे तो वीसीबी इक्वल्स टू हो जाएगा वीसीसी माइनस आईसीआरसी। अब वीसीसी आईसीआरसी की वैल्यू आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 12.16 वोल्ट्स। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अल्फा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर शोन इन फिगर, हेंस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट आईसी यूजिंग बोथ अल्फा एंड बीटा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास बीटा रेटिंग दिया हुआ है इस फिगर में, तो बीटा रेटिंग आपके पास क्या है 49 दिया है। अगर आपको अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन याद हो तो वो आता है आपका अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, उसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है बीटा की, आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी 0.98। अब इस फिगर में अगर आप देखो ध्यान से तो आपके पास आई बी गिवेन है, आई ई गिवेन है और आई सी आपको निकालना है। तो आई सी का तरीका आपका या तो अल्फा आई ई से निकाल सकते हो, बीटा आई बी से निकाल सकते हो, या आई बी प्लस सॉरी आई ई माइनस आई बी से भी आप निकाल सकते हो, तीनों से सेम वैल्यू आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर एट रूम टेम्परेचर हैज इट्स एमिटर डिसकनेक्टेड, अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड
बिटवीन कलेक्टर एंड बेस विथ कलेक्टर पॉजिटिव अ करेंट ऑफ 0.2 माइक्रो एम्पियर फ्लोस व्हेन द बेस इज डिसकनेक्टेड एंड द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर द करेंट इज फाउंड टू बी 20 माइक्रो एम्पियर्स. फाइंड अल्फा आई ई एंड आई बी व्हेन कलेक्टर करेंट इज 1 मिली एम्पियर. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या आपको पहले गिवन है. एन एनपीएन ट्रांजिस्टर एट रूम टेम्परेचर हैज इट्स एमिटर डिसकनेक्टेड. तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ऐसा कुछ ट्रांजिस्टर होगा, एमिटर डिसकनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो थ्रू बेस और कलेक्टर फ्लो होगा. अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन कलेक्टर एंड बेस. कलेक्टर और बेस के बीच में 5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है. विथ कलेक्टर पॉजिटिव, कलेक्टर को पॉजिटिव साइड पे रखा गया है और बेस को नेगेटिव साइड पे रखा गया है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा बेस और कलेक्टर के बीच में, वहाँ पे कौन सी बायसिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो इस 5 वोल्ट से? फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई कर रहे हो या रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर रहे हो? सोचिए बताओ. इस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड करोगे? कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? रिवर्स बायस. ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है. एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन साइड को आप पॉजिटिव बना रहे हो और पी साइड को नेगेटिव बना रहे हो. तो जब एन साइड को आप पॉजिटिव बनाते हो और पी साइड को नेगेटिव बनाते हो तो उस केस में रिवर्स बायस अप्लाई किया जा रहा है. अब जब रिवर्स बायस अप्लाई किया जाए तो विथ कलेक्टर पॉजिटिव अ करेंट ऑफ 0.2 माइक्रो एम्पियर फ्लोस. अब ये कौन सी सिचुएशन है, ऐसी किस सिचुएशन में आप एमीटर को ओपन करते हो और कलेक्टर टू बेस के बीच में रिवर्स बायस अप्लाई करके 0.2 माइक्रो एम्पियर पाते हो? ये वही सिचुएशन है आपका कॉमन बेस का. ठीक है, तो अगर आपको पूरा का पूरा उसका बेसिक अगर क्लियर होगा कॉमन बेस कब होता है और किस सिचुएशन में हम उसकी करंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं तो आप इजीली यहाँ पे कोरिलेट कर पाओगे. तो यहाँ पे हमारे पास एमीटर पहले डिसकनेक्टेड था और 5 वोल्ट की रिवर्स बायस आप अप्लाई कर रहे हो कलेक्टर टू बेस में तो आपको 0.2 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है. तो इसका मतलब है कि जो आपका 0.2 माइक्रो एम्पियर है दैट इज ICBO कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन. तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बायसिंग वोल्टेज दिया है बिटवीन कलेक्टर टू बेस. व्हेन द बेस इज डिसकनेक्टेड एंड द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर द करेंट इज फाउंड टू बी 20 माइक्रो एम्पियर. अब क्या किया जा रहा है, अब हमारे पास बेस को डिसकनेक्ट कर दिया गया और सेम वोल्टेज आपका अप्लाई किया जा रहा है बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर. अब कलेक्टर और एमीटर के थ्रू अगर आपका जो करंट मेजर करोगे और बेस को ओपन करोगे तो ये जो सिचुएशन है बेस को डिसकनेक्ट करने के बाद आपका जो आ रहा है वो कॉमन कलेक्टर का आ रहा है. ठीक है, कॉमन कलेक्टर का होगे या यहाँ पे कॉमन एमिटर हो सकता है, दोनों हो सकता है क्योंकि आपने बेस को डिसकनेक्ट किया है. बेस को डिसकनेक्ट करने के बाद ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका कॉमन कलेक्टर होगा या कॉमन एमिटर होगा. सो अप्लाइड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर द करेंट इज फाउंड टू बी 20 माइक्रो एम्पियर. फाइंड अल्फा आई ई एंड आई बी व्हेन कलेक्टर करेंट इज 1 मिली एम्पियर. हमारे पास कलेक्टर करेंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है और अल्फा आई ई और आई बी फाइंड आउट करना है. सो ऐसा कुछ सिचुएशन है दोनों. एक बार आप सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ये सिचुएशन आपके पास है. एक बार ओपन आपका एमिटर हो रहा है, एक बार आपका बेस ओपन हो रहा है. सर कैन यू रिपीट वंस मोर? सॉरी सर कैन यू रिपीट वंस मोर? सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं? ओके, सो देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं. एट रूम टेम्परेचर हैज इट्स एमिटर डिसकनेक्टेड.
अब आप बेसिक एकदम याद करो कि जब हम 5 वोल्ट का अप्लाई कर रहे हैं कलेक्टर टू बेस के बीच में, और कलेक्टर आपका पॉजिटिव है, करंट आपका 0.2 माइक्रो एम्पियर फ्लो रहा है, तो 5 वोल्ट की बैटरी जब आप अप्लाई कर रहे हो बिटवीन कलेक्टर टू बेस और कलेक्टर आपका पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा, ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा। तो इस सिचुएशन में कलेक्टर टू बेस जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ICBO, रिवर्स सेचुरेशन करंट, जो हमारा कॉमन बेस में आता था। कॉमन बेस में जब हम एमीटर ओपन करते थे और वोल्टेज आपका एन साइड की तरफ पॉजिटिव है, पी साइड की तरफ नेगेटिव है, तो इसमें रिवर्स बायस अप्लाई हुआ है, और रिवर्स बायस अप्लाई करने के बाद जो करंट फ्लो होता है वो विद द हेल्प ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होता है। नाउ जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होता है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में उस करंट को हम बोलते हैं माइनॉरिटी करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट, और उसका नाम होता है ICBO। ICBO का मतलब क्या होता है? करंट बिटवीन कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन। तो यहाँ पे हमें ICBO मिला। दूसरे सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं कि बेस को ओपन कर रहे हैं और सेम हमने अरेंजमेंट रखा, सेम अरेंजमेंट रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब बेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कॉमन एमिटर भी हो सकता है और कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आप इनपुट कहाँ पे अप्लाई कर रहे थे और आउटपुट कहाँ पे लोगे। तो इनपुट ऑब्वियसली आप बेस के बीच में अप्लाई कर रहे थे, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक ICEO हमने मान लिया है। ICEO का मतलब क्या है कि करंट बिटवीन कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन। तो चूंकि जो कॉमन कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है और कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उन दोनों में जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है दैट इज़ अल्फा एंड गामा, वो दोनों के दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। ठीक है, गामा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है और अल्फ़ा की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है लगभग, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी कलेक्टर और बेस पे। ठीक है, सॉरी, कलेक्टर और एमिटर पे। सो आई सी इक्वल्स टू अल्फा ही होता है वहाँ पे। और उसी सिचुएशन को आप यहाँ पे भी देखते हो, यहाँ पे गामा होता है आपका। दोनों सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो जो कॉमन कलेक्टर है और कॉमन एमिटर है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लगभग हम सेम मानते हैं, क्योंकि उसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो यहाँ पे हमने उसी कन्वेंशन को मान के ICEO लिया है। ICEO क्या है आपका? करेंट बिटवीन कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन। अब इसके बाद क्या क्या हमारे पास जो भी गिवन है वैल्यूज, उनको पुट करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है अल्फा, IB और IE की। सो ICBO इज 0.2 माइक्रो एम्पियर, ICEO क्या हो जाएगा आपका? 20 माइक्रो एम्पियर, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। तो ICEO और ICBO में रिलेशन होता है, ये हमने पहले प्रूव कर रखा है, दैट इज ICBO डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। यहाँ से आप अल्फा फाइंड आउट कर लोगे 0.99। इसके बाद IC आपको गिवन है 1 मिली एम्पियर, सो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1000 माइक्रो एम्पियर, अल्फा की वैल्यू गिवन है, ICBO गिवन है, ये सारी वैल्यू आपको मिल गई। इसके बाद हमें IE फाइंड आउट करना है। IE की वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में आप पुट करोगे तो IC अल्फा, ICBO आपको पता है, IE आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। और जब आपके पास IE है, IC है, तो आप IB भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी वैल्यूज होंगी इनकी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको पूरा इजिली इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, आई थिंक सबको सॉल्यूशन क्लियर होगा। सॉल्यूशन अगर नहीं क्लियर है तो एक बार आप इसका जो डेरिवेशन हमने पहले किया था उसको फॉलो करना, ये वाले डेरिवेशंस, इन डेरिवेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे।
और फिर भी नहीं समझ में आता है, देन नेक्स्ट टर्म पे फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार। अरे बताइए फिर से, आप आवाज़ क्लियर नहीं आपकी। हेलो सर, एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाइए ना। सर, वॉइस इज लो सर। ये क्वेश्चन था आपका। ओके, आपकी ये पूरी जो पीपीटी है मैंने फिर से अपडेट कर दिया आपके गूगल क्लासरूम में, तो एक बार गूगल क्लासरूम में आप विजिट करके देख लेना कि पीपीटी पड़ी है कि नहीं। अगर किसी को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी देन मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन था उसके बेस पे हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, बेस करंट एंड करंट गेन। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा जो रेफरेंस आपको लेना है तो उस रेफरेंस को आप, ये जो प्रीवियस हमने सारे के सारे डेरिवेशंस किए हैं, ये इन डेरिवेशन से आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इन दो प्रॉब्लम्स को एक बार आप खुद से देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट टर्म पे एक बार आप इन्फॉर्म करना मुझे, नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी यस सर। मे बी, यस इस वाले प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से ट्राई करना। यहाँ पे सारे आंसर्स गिवेन हैं, बट आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे केवीएल कैसे लगाना है और कैसे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ को आप एक बार देखना। अगर नहीं समझ में आता है देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, ओके सर, सो ओके सर, पीपीटी एक बार आप फिर से देख यस लेना सर, और ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना। सॉल्यूशन आपको गिवन है, एक बार आप होमवर्क में ट्राई करना, हो जाएगा आपका। ओके, सो नेक्स्ट टर्म पे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो डाउट पूछना, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स फिट, जो थर्ड मॉड्यूल है। आईएमसीआरपी पे आपका टेस्ट जनरेटेड है तो बिफोर 4 PM सर। मिड टर्म टू का सिलेबस बता दीजिए सर यही है पूरा। आज एक बार, आज जो पूरा और पढ़ा है प्लीज पीपीटी में आप पूरा विजिट करना, बस। पीपीटी देख के जहाँ पे भी आपको लगे कि जनरल डायोड स्टार्ट हो रहा है, जनरल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकडाउन डायोड से स्टार्ट करके आज तक का पूरा सिलेबस है। सर, और जहाँ पे डाउट होगा सर आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। डाउट के लिए नेक्स्ट क्लास में हम डाउट क्लियरिंग क्लास रखेंगे, आपका जो नेक्स्ट क्लास यस थर्सडे सर, होगा। रिवीजन वाली क्लास। हाँ, थर्सडे रिवीजन नहीं, वो सारा का सारा वही चल रहा है। अब यहाँ पे कोई भी रिवीजन क्लासेस नहीं चल रही है, रिवीजन जितना नहीं डाउट सर, होगा। आई मीन डाउट सर। हाँ, उसी क्लास में सारा का सारा डाउट डिस्कस करेंगे। तो थर्सडे तक आप ओके डाउट ओके कलेक्ट करके रखना, जिनको भी डाउट होगा जहाँ पे भी होगा हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? ओके सर, थैंक और अगर टाइम बचेगा तो हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। द सिलेबस ऑफ द मिड सेम इज टिल टुडे, जितना भी आज तक हमने पढ़ा है वो रहेगा जनरल डायोड के बाद से, मतलब जनरल डायोड से स्टार्ट करके। ओके, सर। अटेंडेंस कैसे होगा? अटेंडेंस मिड सेम, सॉरी आईएमसीआर।